हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेट चिप केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत इजी जो है वो इंग्रेडिएंट के साथ मिलके बनता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद अंडे। अंडे जो हैं वो आपने रूम टेम्परेचर पर लेने हैं, फ्रिज के अंडे हमने यूज़ नहीं करने। तो यहाँ पर हमने जो है वो 2 अंडे ले लिए हैं, और उसके बाद हम लोग जो हैं वो 3/4 कप जो है वो चीनी ले लेंगे। आपने जो है वो हर चीज़ को मेजर करके अगर आप डालेंगे तो आपकी जो रेसिपी है बहुत परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे हमने चीनी डाली है, उसके बाद हम लोग जो हैं वो इसको बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप विस्क की मदद से भी जो है इसको आप लोग अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं, वरना आप इसको ब्लेंडर में डाल के उसमें अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। और हमने इसको इतना अच्छे तरीके से जो है वो बीट करना है कि ये इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाए और ये फ्लफ़ी सी फॉर्म में आ जाए, जिस तरह आप अभी देख रहे हैं। इसके अंदर मैं अब ऐड करूँगी 125 ml मिल्क और 125 ml मैंने यहाँ पे ले लिया है ऑयल। और इसको डालने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगी और दोबारा से मैं इसको बीट कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से जो है मिक्स हो जाए। और अच्छे केक की जो निशानी होती है, हम इसको जितना अच्छे तरीके से बीट करते हैं वो उतना ही जो है वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा बनता है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और ये जो बाउल के साइड में मिक्सचर लगा था इसको भी अच्छी तरह स्पैचुला की मदद से मैं साफ़ कर लूँगी ताकि हमारी कोई चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो। और अगर आप केक बना रहे हैं, कोई भी बेकिंग की चीज़ अगर आप बनाते हैं, उसके अंदर आप मेजरमेंट करके हर चीज़ नाप तोल के डालते हैं तो आपकी रेसिपी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो मेक श्योर करें कि आप जो है वो हर चीज़ को परफेक्ट जो है वो मेजर करके डालें। अब मैं यहाँ पे 2 कप जो है वो मैदा शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से मैं छान लूँगी। ये जो मेजरमेंट मैं यूज़ कर रही हूँ ये 1 कप का है। तो यहाँ पर मैंने लेवल करके जो है वो मैदा ले लिया है और इसको मैं छान लूँगी ताकि अगर कोई इसके अंदर लम्स वगैरह है, गुठली है, तो वो केक के अंदर ना जाए। 1 कप मैंने यहाँ पे डाला था, अब मैं यहाँ पे 2 कप जो है वो उसमें ऐड करूँगी। जी यहाँ पे 2 कप मैंने मैदा जो है वो इसके अंदर शामिल कर लिया है। अब मैं इसके अंदर बेकिंग जो पाउडर है वो मैं इसके अंदर डालूँगी 2 टीस्पून, और आपने जो है वो बेकिंग सोडा नहीं इसमें ऐड करना। हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर जो है वो 2 टीस्पून जो है वो ऐड कर लिया है। उसके बाद हम स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और एक ही साइड पे आपने स्पैचुला की मदद से जो है इसको मिक्स करना है। तो जब तक ये मिक्स होता है तो मैंने सोचा कि मैं आपसे जो है वो बात कर लूँ कि अल्लाह के फज़ल करम से मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया है, और ये सब आपकी जो है वो सपोर्ट की वजह से हुआ है। आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट ना करते तो शायद मैं आज इस मुकाम पे ना होती। तो जैसे आपने मुझे पहले सपोर्ट किया है, अब मुझे उससे ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जी तो यहाँ पे हमने जो है वो मैदा मिक्स कर लिया था, और इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे, और स्पैचुला की मदद से हमने इसको एक ही साइड पर जो है वो इस तरीके से मिक्स करना है। जब तक ये मिक्स हो रहा है, मैंने पतीला जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया था, और मैं पतीले में बनाऊंगी ये बग़ैर ओवन के। तो अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर जो है थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो हैं वो आप दूध के ऐड कर लें। मिक्सचर यहाँ पे हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया था। मैंने इसके अंदर जो है डाल दिए हैं चॉकलेट चिप और वनीला एसेंस, जो मैंने आपको दिखाना भूल गई। वनीला एसेंस के हमने 4 से 5 कतरे जो हैं वो उसके अंदर डाल दिए थे। उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, जो अंडों की एक हीक सी आती है, तो वनीला एसेंस से वो ख़त्म हो जाती है। चॉकलेट चिप जो है मैंने इसमें आधे जो हैं वो डाल दिए हैं, और उसको मैं मिक्स कर लूँगी। पतीला जो वो मैंने रख दिया है प्री हीट होने के लिए, क्योंकि मैं बना रही हूँ पतीले में। और उसके बाद मैंने एक मोल्ड ले लिया है, आप जिस शेप में भी बनाना चाहें आप ले लें। फ़िलहाल मैं गोल वाले मोल्ड को यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो है वो मोल्ड ले लिया है, ऑयल का मैंने 1 चम्मच इसके अंदर डाल दिया है। ब्रश की मदद से इसको हम लोग जो है वो ऑयल को चारों तरफ फैला लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर भी छा लें,
और अगर नहीं है तो जस्ट आप ऑयल की मदद से इसको ग्रीस कर लें। इससे क्या होता है कि हमारा केक जो है वो चिपकेगा नहीं। तो ये अच्छी तरह से मैंने ग्रीस कर लिया है और अब ये जो हमारे पास बैटर है वो सारा हम इसके अंदर अच्छी तरह से शामिल कर देंगे जी। तो यहाँ पे जो बैटर है ये सारा मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। और ये बहुत ही मज़े का जो है वो केक बनता है और माशाल्लाह बहुत ही कम जो है वो बजट में हम अच्छा खासा जो केक है वो घर में रेडी कर सकते हैं, पेट भर के हम लोग जो है वो खा सकते हैं, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो सारा जो बैटर था ये मैंने इसके अंदर मोल्ड में जो है वो डाल दिया है और चम्मच की मदद से ये जो स्पून पे लगा है ये भी मैं उतार लूँगी ताकि कोई चीज़ भी जो है वो ज़ाया ना हो, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करेंगे हर चीज़ को अच्छी तरह से साफ़ करें, यूज़ करें। तो यहाँ पे बैटर जो है मैंने इसमें डाल दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से अब इसको थोड़ा सा मैं टैप करूँगी ताकि इसके अंदर अगर कोई बबल हैं वो एयर है वो निकल जाए। और थोड़े से जो चॉकलेट चिप है ये मैं ऊपर से स्प्रेड कर दूँगी ताकि इसका एक बहुत ही अच्छा सा जो है वो लुक आता है जी। तो ये देखें आप कितना प्यारा जो है वो केक लग रहा है। चॉकलेट चिप कुकीज़ जो हैं वो भी हम लोग खाते हैं लेकिन चॉकलेट चिप आज हम केक बना रहे हैं जी। तो मैंने 15-20 मिनट पहले पतीला जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया था। आपके पास अगर स्टैंड हो तो आप बीच में पतीले के रख लें, मेरे पास स्टैंड नहीं था तो मैंने कटोरी जो है वो उल्टी करके रख दी है। और जो मोल्ड था जिसमें मैंने बैटर डाला है वो हम इस तरीके से रख देंगे और इसको 35 से 40 मिनट के लिए हम लोग जो हैं वो ढक के रख देंगे। और इसको फिर मैं 35 से 40 मिनट के बाद चेक करती हूँ जी। तकरीबन मैंने 40 मिनट के बाद इसको चेक किया है और माशाल्लाह से केक आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से जो वो राइज हुआ है और बहुत ही इसकी अच्छी जो है वो शक्ल लग रही है। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो केक बन के रेडी हुआ है और देखें कितने अच्छे तरीके से ब्राउन हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट बन के जो है वो केक रेडी हुआ था। तो बस आपने केक बनाते वक्त जिन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने उसकी एग्जैक्ट जो है वो मेजरमेंट को मद्देनज़र रखना है तो आपकी हर चीज़ जो परफेक्ट बनेगी। केक के स्लाइसेस बना के आप किसी एयरटाइट जार में इसको रख लें और जब दिल चाहे तो आप लोग जो है उसको चाय के साथ सर्व करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।